उस दिन हजरत मौलाना असद मदनी साहब नबर अल्लाह मरकदहू के मुतालिक सुनाया कि मैं एक बेडरूम वाले कॉटेज में था, तो हजरत हर साल तशरीफ लाते थे, हमारे जितने सालाना जलसे हुए सब में हजरत का बयान हुआ, शुरू से दारुलूम बनने से लेकर हजरत के विसाल तक, और हर दफे का बयान बड़ा अजीब व गरीब। या मैंने बताया कि ये जो जहाँ हमारी इसी नई इमारत का दारुल हदीस के नीचे मदखल है, सीढ़ियाँ हैं, तो उस जगह हमने टेंट लगाया था, इसकी तामीर हो रही थी, तो वहाँ हजरत ने कोई 83 या 84 में जलसे में फरमाया, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हो, काहे के लिए बनाते हो, याद रखना 35 बरस के बाद क्या होने वाला है। देखिए, यानी तहदीद के साथ जो हालात कोई सोच भी नहीं सकता था, अब मस्जिदें गैर इरादी तौर पर जा रही हैं, कोई बेचारा भोला भाला सदर है, कोई भोला भाला मुतवल्ली है, तो उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और अवाम को ये एहसास भी नहीं हो रहा है कि हमारा मसलक तब्दील हो रहा है मस्जिद का, हर चीज़ मस्जिद की तब्दील हो रही है। तो हजरत ने ये कलिमात फरमाए थे 35 बरस के बाद, याद रखना कि क्या होने वाला है।